तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये आदेशित करेंगी पूरी पार्टी के विधायकों को और उन लोगों से बातचीत करेंगी कि भैया मेरे को ऐसा उम्मीद है और आपको पता है ऐसी स्थिति में माननीय बहन जी देश के हित में फैसला लेंगी, सभी दलों से ऊपर उठ करके और जातिवाद के मामलों से ऊपर उठ करके देश हित में समाज हित में बहन जी फैसला लेंगी। तो साथियों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विषय आज हम लोगों का जो है वो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है इस पे सम्मानित साथियों हम लोग आज अपनी बात रखेंगे। जी सर साथियों हालांकि मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को मैं हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कुल सीट 230 है और साथियों उसके अंदर जो है 116 या उससे अधिक जिस पार्टी के पास में विधायक होंगे उसकी सम्मानित साथियों मेजोरिटी से सरकार बन पाएगी, ये वहां की स्थिति है सम्मानित साथियों। साथियों इससे पहले की जो स्थिति है वो हम आपको बता दें कि पिछले अभी दो साल पहले 2018 में वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था जिसमें सम्मानित साथियों कांग्रेस के पास 114 सीट आई थी जीत करके और साथियों उसमें से 25 सीट जो है कांग्रेस की। साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये हमारा स्टडी किया हुआ है, इसमें नियर अबाउट एक दो इधर उधर हो सकता है लेकिन मेटेरियल जो है वो ये है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, इसमें जितना हो सका हमने उसको निकाल करके आपके बीच में पहुंचाने का काम किया है। ये उस समय साथियों 114 सीट कांग्रेस जीती थी, 25 जो विधायक हैं वो बीजेपी में चले गए थे, 22 विधायक एक बार गए थे जब टीवी में चर्चा हो रही थी जब आपको जानकारी होगी लॉकडाउन के समय में, उसके बाद 3 और चले गए हैं जैसे वहां के लोगों से जानकारी मिली है। इसी प्रकार से साथियों 114 में से 25 अगर निकाल देते हैं तो 89 सीटें इस समय कांग्रेस के पास बचती है, साथियों आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप साथियों बताना चाहते हैं 89 में उस समय 114 में 116 पूरे करने के लिए 2 सीटें कम थी, 25 उसकी निकल गई हैं, 27 सीटों पर चुनाव होना है तो इसका मतलब साथियों कांग्रेस को फिर से 27 की 27 सीटें जीतने की आवश्यकता है, ऐसा साथियों आप लोगों को यहां पर जानकारी हम लोगों ने दी। ये 2 25 गई हैं लेकिन 2 वो कौन सी हैं तो यहां पर पहले 116 पूरी होने में कम थी साथियों, तो ये 27 सीटें मतलब ये है कांग्रेस जो 27 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो हो रहा है 27 सीटों पे उपचुनाव है, 27 की 27 सीटें अगर कांग्रेस जीत पाएगी तो साथियों कांग्रेस की सरकार द्वारा से बन पाएगी, ऐसा हम आपको बताने का यहां पर काम कर रहे हैं। भाजपा के साथियों भाजपा की 109 सीटें जीती थी 2018 में, 109 सीटें जीते थी उसमें से 2 जो विधायक हैं उनके एक्सपायर कर गए हैं, 107 विधायक बचते हैं, 116 पूरा करने के लिए 9 सीटों की आवश्यकता जो है वो भाजपा को है। तो साथियों 27 में से 9 सीटें भाजपा जीत पाएगी तो उसकी सरकार साथियों बनी हुई रह पाएगी, बच पाएगी, ये हमने साथियों आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया क्योंकि 27 सीटों पे चुनाव है, इसमें से 25 सीटें जो है वो कांग्रेस से उधर गई हैं विधायक लोग, उनकी मान्यता रद्द हुई है और 2 सीटें जो है ये हमने यहाँ पे जो बताया ये एक्सपायर कर गए हैं, ये जो है एक्सपायर कर गए हैं भाजपा के 2 विधायक, तो 25 और 2 27 सीटों पे वहां पर उपचुनाव है और हमने बताया कि 27 की 27 अगर कांग्रेस जीतेगी तो उसकी सरकार द्वारा बन पाएगी। ऐसी स्थिति में सम्मानित साथियों 2018 के चुनाव में बीएसपी के पास 2 विधायक थे और सपा के पास में साथियों 1 विधायक था, 4 निर्दलीय जीते थे उसमें 1 छोटी सी कोई पार्टी थी, 3 निर्दलीय थे तो हम 4 को निर्दलीय मान के चलते हैं, ये साथियों हम आपको बता रहे हैं। एक बात थोड़ा सा कर दो ये हम कंडीशन बताएंगे साथियों कैसी कंडीशन है उसकी आगे बताऊंगी, ये उस समय मौजूदा स्थिति जो है ये हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों कांग्रेस की क्या स्थिति है। ये कंडीशन नंबर 2 भाजपा के बारे में हम आपको बताएंगे, कंडीशन नंबर 2 में भाजपा क्या स्थिति है भाजपा के बारे में साथियों इसमें बताएंगे सब कुछ कैसे कैसे क्या जरूरत है। कंडीशन नंबर 3 बसपा के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे इसमें इस कैडर के अंदर और इस प्रकार से ये बसपा के बारे में बातचीत चल रही है सम्मानित साथियों, इस प्रकार से उपचुनाव के बाद क्या स्थिति होगी पूरे चुनाव की वो हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से चलते हुए सम्मानित साथी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों पार्टीज का, ये हम आपको बताएंगे और उदाहरण के तौर पे साथी हम लोग निष्कर्ष करते हुए आपको ये सारी बातें
बताने का काम करेंगे, तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खुद भी सुने और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साथी इसको सुन सके। सम्मानित साथियों, तो हम लोग साथी पीछे वाली बात में थे, अब हम कंडीशन नंबर वन पे आते हैं। अगर चुनाव होता है तो किस तरह की स्थिति सम्मानित साथियों कांग्रेस की रहेगी, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की स्थिति, 114 विधायक थे उसके पास में, हमने आपको बताया 25 जो है वो छोड़कर के चले गए हैं सम्मानित साथियों, तो इस समय उसके पास 89 विधायक कांग्रेस के पास बचे हुए हैं। उपचुनाव में सरकार बनाने के हेतु अपेक्षित सीटें जो है कांग्रेस को कितनी चाहिए, 27 सीटें चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, क्योंकि उसके पास में 89 है, 116 पे पूर्ण बहुमत बनता है उसका, 27 की 27 सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेंगी, तब जाके कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। ऐसा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 27 की 27 सीटें किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। तो जिन लोगों के दिमाग में कांग्रेस की जो बात चल रही थी, जो हम वहां पे घूम करके आए हैं, उनको इस बात को सम्मानित साथियों समझना पड़ेगा। मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस की जीतने की संभावना अगर 1%, हम लोग ये देखें कांग्रेस के बारे में साथियों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी दूसरी पार्टी के बारे में बाद में बात करेंगे, ये घटेंगी बढ़ेंगी ये हम आपको साथियों बताना चाहते हैं। अगर हम लोग देखते हैं 20 सीट भी कांग्रेस जीत जाती है, हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन हम एक बार के लिए लेकर के चलते हैं, लोगों का जो भ्रम है उसके बारे में साथियों हम लोग बताएंगे। अगर 1% के लिए 27 में से 20 सीट कांग्रेस जीत जाती है, यदि 4 निर्दलीय सीट जो है अगर उसके साथ जोड़ दी जाए, अगर कांग्रेस के साथ जो 20 सीटें जो जीतती है 1% हम बता रहे हैं, कुल जो सीटें हैं 89 उसके पास पहले बची हुई है, 20 सीटें में जीती हुई मान लेते हैं, 4 निर्दलीय जोड़ देते हैं तो पूरे 113 हो जाते हैं, और बहुमत के लिए सम्मानित साथियों उसको 116 सीट की आवश्यकता है। यहाँ पर सम्मानित साथियों अगर ऐसा भी होता है 1% तो तब भी 3 सीट की आवश्यकता है, निर्दलीय को जोड़ने के बावजूद भी। ये साथियों आपको समझने की बहुत सख्त और बहुत ही ज्यादा आपको साथियों समझने की जरूरत है। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सीटों की अभी भी आवश्यकता, 116 जो पूर्ण बहुमत की सरकार इसमें बनती है, 100 और इसमें जो है 113 साथियों इसके बन रहे हैं जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, अभी भी 3 सीटों की उसको आवश्यकता महसूस है। ये बात साथियों आपको समझनी है, ये जब बता रहे हैं हम लोगों को, जब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी अगर ठीक होती है तो। इसमें साथियों कंडीशन है, हमने ये बात बताने का प्रयास किया, और कंडीशन चेंज भी हो सकती है, होगी 100% वो हम आपको आगे बताएंगे साथियों। कंडीशन नंबर 2, अगर हम भाजपा की स्थिति के बारे में बात करें, 109 विधायक है, 2 उनके साथी उनके एक्सपायर हो गए हैं, हमने आपको पहले बताया, 107 मौजूदा विधायक बीजेपी के पास है, उपचुनाव में सरकार बनाने हेतु जरूरी अपेक्षित सीटें जो है 116 पे सरकार बनती है, 107 उसके पास है, 9 की उसको जरूरत है। सम्मानित साथियों 9 सीटें अगर भाजपा द्वारा से जीत पाएगी तो उसकी सरकार साथियों बन पाएगी, मतलब बच पाएगी जो उसकी सरकार चल रही है भाजपा की, ये आपको साथियों समझने की जरूरत है। देश व प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश के कारण उपचुनाव में जीतने वाली संभावित सीटें 4 हैं। साथियों जिन 27 सीटों में चुनाव है उसके बारे में हम आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा को लेकर के 2 एक्सपायर हो गए हैं, वे साथियों आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, और 27 सीटों में जो उपचुनाव है, क्योंकि आज की स्थिति में भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है, सब लोगों को जानकारी है, लॉकडाउन का मिसयूज किया इन लोगों ने, सारे सारे प्राइवेट करते जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैं समस्याएं गिनवाना शुरू करूंगा तो साथियों समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, आप अच्छी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि जो इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मैनेज है, इस बात को भी साथियों देश अच्छी तरह से जानता है, वो नहीं दिखाएगा, तो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, ये आप कहीं पर भी जान सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से 107 में जो उसके पास बचे हुए हैं, हमने जो पहले बताया 107 में से 109 में से 2 की एक्सपायर हो गए, 107 बचे हैं, 4 इसमें इनकी भी जोड़ दी जाए, जो इनको सम्मानित साथियों जो इनको हमने जीते दिखाए हैं, तो 111 हो जाते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है, आप सोचेंगे कि यहाँ पे 111 जो विधायक हैं इनके जो बन रहे हैं इसमें 4 निर्दलीय जोड़ दिए जाएंगे तो 115 हो जाएंगे। साथियों आप लोग सोचेंगे कि सरकार बनाने के लिए 116 विधायक चाहिए, भाजपा के पास 115 विधायक हैं, लेकिन सम्मानित साथियों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है भाजपा के पक्ष में माहौल बिल्कुल भी नहीं है,
मैं तो ऐसा मानता हूं, जब हम लोग वहां पर घूमे हैं, हमने वहां पे जो 150 मीटिंग करी है, हमने ब्राह्मण समाज में भी मीटिंग करी है, हमने बघेल समाज में भी मीटिंग करी है, हमने खटीक समाज में भी मीटिंग करी है, हमने वाल्मीकि समाज में भी मीटिंग करी है, हमने सभी बिरादरी के लोगों में मीटिंग करी है, गुर्जर समाज में भी हमने मीटिंग की है। आज की डेट में भाजपा की तरफ एक भी सीट आने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमने तब बताया है अगर भाजपा की तरफ कुछ होता है तो। साथियों, ये कंडीशन हमने वार्ड ऊपर यूज किया है। अब साथियों, हम आगे आपको और बताएंगे, ऐसी स्थिति में भाजपा को एक सीट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कंडीशन है इसके लिए, अगर हम उसके बाद ये कंडीशन तब क्लियर होगी जब आप बीएसपी की स्थिति के बारे में साथियों जब आप समझ पाएंगे। इसलिए ये कंडीशन नंबर 3 है, बसपा की स्थिति, कुल जीती हुई सीटें इस समय वर्तमान में 2 है। साथियों, ये वो सीट है पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा की जीती हुई अथवा मजबूत सीट है। साथियों, इस प्रकार से है, ये जो एक जोरा है, ये सुमावली है, ये दिमावली है, ये अंबा है, ये सदर है, ग्वालियर ग्रामीण है, करैरा है, पौड़ी है, ये सब साथियों ये सब सीटें हैं। ये साथियों 11 सीट ऐसी हैं जो कि पिछले चुनाव में सम्मानित साथियों दूसरे स्थान पर रही हैं, जिनको हम लोग हजार हजार दो दो हजार वोट से हारे हैं 2018 के चुनाव में। तो इसलिए सम्मानित साथियों, इन सीटों की हमारी जीतने की 100% संभावना बनी हुई है। साथियों, जैसे गौद है, जिनपे मैं घूम करके आया हूँ, गौद है, मैगांव है, जो आपकी डबरा है, इस प्रकार की और भी तमाम सीटें हैं सम्मानित साथियों। मुख्य रूप से जो चंबल का जो एरिया है उसमें ये भी जो साथियों जो सीटें हैं, इसमें भी हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी समय जीत हमने दर्ज की हुई है 1993 में, 1998 में। तो सम्मानित साथियों, ये सीटें भी हम कभी ना कभी जीते हैं, कभी 93 में जीते हैं किसी को कर, तो कभी किसी को 98 में जीते हैं, किसी को 8 में जीते हैं, ऐसे करते हुए सम्मानित साथियों हम लोगों ने इन सीटों को जीता है। हमने सारी सीटों के बारे में बात नहीं करी, जो सीटें मजबूत हैं, जिनको हम हजार हजार 1500-1500 वोटों से हारे हैं, आप लोग इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत कम मार्जिन से जिन सीटों को हम हारे हैं, तो उनके बारे में हमने जिक्र किया है। तो इस प्रकार से चंबल में सटी हुई जो लगभग 15 सीटें हैं, उन पर हम साथियों मजबूती से उभर कर आएंगे, ये साथियों हमने आपको बताई। तो 15-20 सीटें हमारी यहाँ बहुत मजबूत हैं, 2 सीटें हम जीत चुके हैं, ये इस समय हम बसपा के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं सम्मानित साथियों। जी सर, साथियों अगर इन 15 सीटों में से हम 8 सीटें जीतने में भी सफल हो गए, तो हमारे पास साथियों 8 सीटें जीती हुई और 2 सीटें हमारे पास ऑलरेडी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पथरिया से हमारे रमाबाई बहन है और साथियों संजू जो कुशवा जो ठाकुर समाज से हैं, वो मोरना की तरफ से साथियों वहां पे विधायक हैं। इस प्रकार से साथियों हमारे पास में जो है 10 सीटें बसपा के पक्ष में आएंगी। वो हमने पहले कंडीशन बताई थी कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में सेकंड नंबर की कंडीशन बताया था, और थर्ड नंबर की जो कंडीशन है वो बीएसपी के बारे में बताई है। अगर इनके सीट हमारी इस प्रकार से बढ़ती हैं, तो सम्मानित साथियों उनकी सीटें कम होंगी, ये साथियों हम आपको बताएंगे, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 हम आपको पहले बता चुके हैं, ये कंडीशन नंबर 3 हमने आपको बताई है। तो साथियों इस प्रकार से कांग्रेस के पास 103 विधायक, इसमें साथियों जो हमने बताया इसके पास 103 विधायक, और बीजेपी के पास में सम्मानित साथियों 111 विधायक हो रहे थे। निर्दलीय को हमने यहाँ से आउट रखा है, क्योंकि साथियों निर्दलियों के अपने अपने अलग फैसले होते हैं, उनको अगली बार अगर जीतना है तो उनको समाज के हित में, देश के हित में फैसले लेने होंगे, क्योंकि पार्टी से ऊपर उठ करके उस क्षेत्र के लोगों ने उनको विधायक बनाया है, तो इसलिए उनको बहुत सोच समझ के फैसले लेने होंगे कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है, ये बात साथियों हमने आपको बताई। उस समय अगर हम लोगों को इन कंडीशन के हिसाब से जो हमने आपको पहले बताया है उसमें साथियों 113 विधायक कांग्रेस के पास बचते हैं, और अगर हम निर्दलीय को हटा देते हैं तो 111 बीजेपी के पास बचते हैं। उपचुनाव साथियों पूरा होने पर उपचुनाव के परिणाम के बाद की स्थिति क्या है, ये आपको साथियों समझनी होगी। हमने आपको बताया बसपा के पास 10 विधायक होंगे, बसपा के पास 10 विधायक, बहुजन समाज पार्टी के पास 10 विधायक होंगे। हम वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर जहां मुझे जानकारी मिली है कि 13-13 विधायक हम लोग वहां पर जीत भी चुके हैं सम्मानित साथियों। तो 10 विधायक
बीएसपी के पास होंगे, क्योंकि हम लोग घूम करके आए हैं पूरे प्रदेश के, हम जो काफी जो चंबल की काफी सीटों पे हम लोग विजिट करके आए हैं, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग रुष्ट हैं, इसलिए सम्मानित साथियों बसपा की तरफ रुख है। उन सीटों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में साथियों हमारे पास में यहाँ पर 10 विधायक बसपा के पास होंगे, बीजेपी के पास में 107+3 अगर वो जीतती है, एक कम वहां पर हुई है, तो सम्मान साथ यहाँ पे 110 विधायक भाजपा के पास होंगे, इसको आप लोग समझ सकते हैं। कांग्रेस के पास 89 है, 16 जीतती है, 20 की जगह कुछ कम किए हैं, आप समझ सकते हो। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर भी होगी, ये सीटें बढ़ भी सकती है वहां पर सम्मानित साथियों, बहुत अच्छा माहौल बसपा के पक्ष में है, तो 16 सीटें अगर जोड़ते हैं तो 105 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास होंगी, और सपा के पास एक है, निर्दलीय 4 है, तो 10 सीट बसपा, बीजेपी 110, 105 कांग्रेस और सपा के पास एक और निर्दलीय 4, इस प्रकार से मिला के सम्मानित साथियों ये 200 सीट कंप्लीट होती हैं। आगे हम आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बताना चाहेंगे सम्मानित साथियों। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार सरकार बनाने के लिए अपेक्षित सीटें जो वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, जो हमने पहले बताया आपकी पीछे वाली स्लाइड में, तो भाजपा को सरकार बनाने के लिए 6 सीट की आवश्यकता पड़ेगी सम्मानित साथियों, क्योंकि उसके पास में सम्मानित साथियों ये 116 है, वो 110 है, 116 चाहिए, तो इसको 6 सीट की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चला गई यहाँ पे बीजेपी को 6 सीट की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पे कांग्रेस को 11 सीट की आवश्यकता पड़ेगी और बीएसपी के पास 10 सीटें सम्मानित साथियों होंगी। यहाँ पे साथियों जो सबसे मुख्य बात जो समझने वाली है, इस स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अगर निर्दलीयों की भी मदद लेती हैं, अगर इसमें 4-4 निर्दलीय साथियों हम जोड़ देते हैं तो बसपा के तो साथियों फिर भी ये लोग जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आ पा रहे हैं, इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो तब भी इनके पास सीटें कम पड़ती हैं, यहाँ पे 4 जोड़ते हैं तब भी सीटें साथियों कम पड़ती हैं। इस प्रकार से सत्ता की जो चाबी है वो बहुजन समाज पार्टी के पास होगी, क्योंकि जितनी सीटें ये दोनों पार्टी जीत रही हैं अलग अलग, अगर उसमें 4 निर्दलीयों को भी जोड़ देते हैं तो तब भी ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की इनको साथियों दोनों पार्टियों को आवश्यकता पड़ेगी, ये बात हम साथियों आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं सम्मानित साथियों। अब आपको साथियों तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आपको समझना है, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 11 सीट की आवश्यकता है जो हमने पहले बताया, अगर हम लोग 4 निर्दलीय को बाहर करते हैं तो 4 जो निर्दलीय हैं पहले हमने जोड़े थे तब साथियों अलग स्थिति थी, अब हमको 4 निर्दलीय अगर हम लोग बाहर कर देते हैं तो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 11 सीट की आवश्यकता है। बसपा के पास उपचुनाव के बाद जो है 10 सीटें होंगी सम्मानित साथियों, और भाजपा को सरकार बनाने के लिए 6 सीटों की आवश्यकता है अगर हम निर्दलीयों को आउट कर देते हैं तो, और ऐसी स्थिति में साथियों एक सपा के पास है 4 निर्दलीय विधायक साथियों अलग हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तो वो कंडीशन दूसरी होगी, ये आपको साथियों हम लोग बताएंगे। सबसे बड़ी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये लोग जो है कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर 4 निर्दलीय को साथ में लेती है तब भी वो बसपा के बिना सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ये बात साथियों हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। जी सर, अब साथियों हमने जो आपके कंडीशन बताई वो स्थिति ये थी, अब हम साथियों उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर बसपा बैलेंस ऑफ पावर बनती है तो किस स्थिति में रह सकती है, ये हम साथियों आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है जिसके बिना सरकार ना बन पाए उसके लिए कितनी सीट आपके पास है ये मायने नहीं होता, अगर एक सीट से भी सरकार फंसती है तो वो सीट भी बैलेंस ऑफ पावर कहलाती है। उदाहरण के रूप में साथियों झारखंड के अंदर साथियों यहाँ पर पार्टी आप लोग अपने हिसाब से लोकल पार्टी में जोड़ सकते हो, आप लोग लोकल पार्टीज को भी आप इसमें जोड़ सकते हो, लेकिन साथियों वहां पर 81 सीटें हैं, वहां पर 81 सीटें हैं, कांग्रेस का जो खेमा था निर्दलीयों को मिलाकर के या अपने जो है छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर के जो उसकी अलायंस वाली पार्टियां थी
इन सबको मिलाकर के सब माने साथियों 81 सीटों में से 40 सीटें कांग्रेस के पास साथियों उस समय तैयार थी, 40 विधायक उसके पक्ष में थे। भाजपा के पास भी साथियों जो स्थिति इसकी रही है वही स्थिति सम्मान साथियों सभी को जोड़ करके इस स्थिति में साथियों 40 विधायक भी भाजपा के खेमे में थे जो कि बड़ी पार्टी के रूप में साथियों उभर के आई थी और वहां की लोकल पार्टियां इनमें से कोई किसी के पक्ष में थी कोई किसी के पक्ष में थी और साथियों एक निर्दलीय विधायक किसी भी पक्ष में नहीं गया था। आपको साथियों ये जानकारी नेट पर मिल सकती है। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों 81 टोटल सीट थी झारखंड के अंदर कांग्रेस के पक्ष में, उसकी जो पूरी अलायंस है उसका जो पैक था पूरा उसके आधार पर 40 सीट इनके पक्ष में थी, 40 इनके पक्ष में थी, एक निर्दलीय भार बचा हुआ था। तो कुल मिलाकर के 81 सीटें होती हैं, 81 में से जिसके पक्ष में 41 सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी सम्मानित साथियों। तो ऐसी स्थिति में एक जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी, अगर ये नहीं जाएगा तो सरकार नहीं बनेगी। तो साथियों माननीय साहब कांशीराम जी की बात को समझते हुए साथियों उस निर्दलीय विधायक ने यह फैसला लिया कि जब मेरे बिना आप दोनों में से या किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार अगर नहीं बन पा रही है तो भैया मैं तो आप लोगों को समर्थन तब दूंगा जब मुख्यमंत्री में खुद बनाओगे आप मुझको, जब मुख्यमंत्री आप मुझको बनाएंगे। उनका नाम था मधु कोड़ा जो कि साथियों मुख्यमंत्री बने, बाद में क्या हुआ वो एक बात की बात है सम्मानित साथियों, लेकिन मधु कोड़ा जी एक अकेले निर्दलीय विधायक होते हुए सम्मानित साथियों मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे 41 की जो 41 साथियों जो थी एक विधायक की यहाँ पे जो थी तो एक जो ये विधायक था ये बैलेंस ऑफ पावर के रूप में वहां पे उभर के आए और साथियों जब किसी की सरकार नहीं बनी तो मधु कोड़ा अकेले निर्दलीय विधायक वहां के मुख्यमंत्री बने। दिस इज द पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, इसलिए पावर वर्ड इसमें यूज किया गया है, इस साहब कांशीराम जी का सम्मानित साथियों फॉर्मूला है साथियों। इसलिए आपको बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी को बना करके आप इनको किस प्रकार से अपने कब्जे में लेकर के देश के हित में समाज के हित में आप फैसले करा सकते हैं ये साथियों आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1995 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास 150 के आसपास साथियों एमएलए थे, बसपा के पास साथियों 67 एमएलए थे। आपको जानकारी होगी इनके बिना किसी की सरकार नहीं बन पा रही थी तो सम्मानित साथियों माननीय साहब कांशीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि अगर हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन पा रही है तो हम अब समर्थन देंगे नहीं बल्कि आपका समर्थन लेंगे। और साथियों इस प्रकार से आप जानते हैं 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी बसपा की तरफ से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। दिस इज द पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इसलिए साथियों यहाँ पर माननीय साहब कांशीराम जी ने सिखाया कि आपको ज्यादा सीटों वाले नहीं अब कम सीट वाले भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए साथियों इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपको बहुमत जीतने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो किसी भी पार्टी का बहुमत पूरा होने नहीं देना है, उनको जीतने नहीं देना है। ये माननीय साहब कांशीराम जी ने सिखाने का काम किया सम्मानित साथियों, पूरे भारत देश की राजनीति में एक नई पहल देने का काम माननीय साहब कांशीराम जी ने किया कि आपको अगर आपको आसान तरीका निकालना है तो आपको सम्मानित साथियों इस प्रकार से आपको किसी की पूर्ण बहुमत बनने नहीं देना है, उसमें आप बैलेंस ऑफ पावर बनकर उभर सकते हैं सम्मानित साथियों। एक साथियों लेटेस्ट उदाहरण है हरियाणा के अंदर, आप जानते हैं कुल 90 सीटें हैं भाजपा के पास, 40 कांग्रेस के पास, 31 जेजेपी के पास, 10 है अन्य साथियों सीटें इस प्रकार से अलग अलग जीते हुए हैं। इसमें साथियों इसमें इस समय इस आदमी के बगैर जेजेपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बन पा रही थी तो आप जानते हैं उन्होंने कहा कि जब हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बन पा रही है तो हम समर्थन तो दे देंगे लेकिन डिप्टी सीएम हमारा आपको बनाना पड़ेगा। तो साथियों ये उदाहरण हमने आपके बीच में रखा, इसलिए साथियों इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों इस प्रकार से भोजन हमने आपको बताया निष्कर्ष के रूप में सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में होगी, बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर के रूप में उभर के आ रही है। मेरा सभी जाति धर्म व्यक्ति के लोगों से मध्य प्रदेश के लोगों से साथियों कहना है इस बात को आप वायरल भी करें समझाएं भी
आप लोग जो नेता हमारे जो जो कार्यकर्ता हैं वो इस आंकड़ों को समझे और जाके समाज के बीच में समझाएं कि बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर के रूप में उभर के आ रही है, ना हम कांग्रेस की सरकार बनने देंगे ना बीजेपी की सरकार बनने देंगे। तो साथियों, जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर होगी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये आदेशित करेंगी पूरी पार्टी के विधायकों को और उन लोगों से बातचीत करेंगी कि भैया मेरे को ऐसा उम्मीद है। और आपको पता है ऐसी स्थिति में मान्य बहन जी देश के हित में फैसला लेंगी, सभी दलों से ऊपर उठ करके और जातिवाद के मामलों से ऊपर उठ करके देश हित में समाज हित में बहन जी फैसला लेंगी और बहन जी कहेंगी कि भैया अगर आपको सरकार बनानी है तो हमारा कम से कम बहुजन समाज पार्टी का डिप्टी सीएम होना चाहिए, जिससे कि भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री के बगल वाले जो कमरा है उसमें हमारे बीएसपी के हमारे हमारे विधायक का जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो वहां पर जाकर के बैठेंगे और ये पता लगाएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। समाज के हित में आपको फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आपने समाज के हित में, देश के हित में, युवाओं के हित में, बेरोजगारों के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, SC ST OBC माइनॉरिटीज और प्रत्येक समाज में से गरीब लोगों के हित में अगर आपने फैसले नहीं लिए तो हम अपना समर्थन वापस लेके तुम्हारी सरकार गिराने का काम करेंगे। ऐसा साथियों, इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर के रूप में बहुजन समाज पार्टी उभर के आ रही है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो मैं घूम करके आया हूँ, मैं उन्हीं सीटों पर गया हूँ जहाँ हम कभी ना कभी सीटों को जीते हैं, क्योंकि हमको साथियों, सम्मानित साथियों, हमको किसी भी कीमत पे इस मौके को नहीं टूटना है, क्योंकि दोनों के खिलाफ माहौल है। क्योंकि आप जानते हैं भाजपा उन्हीं को टिकट दे रही है अधिकांश जो कांग्रेस की तरफ से गए हैं, और उधर वो कांग्रेस से इस बात से रूठ दुष्ट है कि ये बेच करके चले गए हैं, तो वो कांग्रेस से भी दुष्ट है और भाजपा से इसलिए दुष्ट है कि एक तो उनके काम ठीक नहीं है, ऊपर से वही विधायक थोप दिए गए हैं जो बिक करके आए हैं। तो साथ ही ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं भाजपा को या कांग्रेस को विधायक क्यों खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जीतने की स्थिति में नहीं है। चाहे आपके राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने विधायक खरीदे हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने खरीदे हो, क्यों खरीद रहे हैं ये 50-50 करोड़ में, 35-35 करोड़ में, क्यों? क्योंकि ये जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए साथियों, पूरा देश के लोग, सभी नौजवान साथी, सभी लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, सभी आज इन दोनों पार्टियों के खिलाफ हैं। इसलिए आप लोगों को सामान्य साथियों बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बना करके अपनी सीटें जितानी होंगी और मेहनत करनी होंगी। मैं युवाओं से मुख्य रूप से सभी के साथ साथ ये निवेदन करता हूँ कि निकलो अपने घरों से और छोटी छोटी मीटिंग लेकर के लोगों को समझाने का काम करो। और मैं एक दो दिन के बाद फिर मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ और फिर से वहां पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अपना साथियों हम लोग माहौल तैयार करेंगे। तो ये छोटा सा कैडर हमारी टीम ने, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने साथी जो है जिन्होंने इस PPT को बनाने का काम किया, भारत गौतम जी का, और जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया, हमारे इसमें जो है साथ दिया, हमारे जो है अमित पंत बौद्ध जी का जो हमारे साथी हैं, उन्होंने भी साथियों इन दोनों ने मिलकर के इस PPT को बनाया, और जो साथियों जो ये तैयार की है, जिसको ड्राफ्टिंग करने का काम किया, वो हमारे नितिन प्रकाश जी भाई जो बादल है, उनका अपना स्कूल है, साथियों बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो इस समय PPT को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मैं अमित निमेश जी का धन्यवाद करता हूँ जो आवाज को चेक कर रहे हैं, इंजीनियर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो बाहर हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है मुस्तैदी से, उनका भी मैं धन्यवाद करते हुए आखिर में ये निवेदन करता हूँ कि साथियों ये आखिरी दौर है, इसमें साथियों आप लोगों को संभल के चलना होगा और किसी के बहकावे में न आकर के जो छोटी छोटी फूट डाल करके दूसरी पार्टी से मैनेज होकर के सम्मानित साथियों जो इस मूवमेंट में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं उनसे बच कर निकलना होगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश में मजबूत उनके हाथ करने के लिए आप लोगों को काम करना होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी, हम 10 विधायकों को और बढ़ा करके 15 विधायक करने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से